हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लव स्टोरी के मामले में फंसी राजस्थान पुलिस, 3 कांस्टेबल सस्पेंड। सवाई माधोपुर जिले के खंडीप रेलवे स्टेशन के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से गिरकर हुई गढ़खेड़ा निवासी हरीश बैरवा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अब गंगापुर निवासी युवती ने अपने परिजनों एवं दर्जन भर ग्रामीणों के साथ सदर थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। युवती ने थाना अधिकारी को परिवाद देकर मृतक के भाई और अन्य परिजनों के खिलाफ रेप और अन्य धाराओं के मामले दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने पर पुलिस अधीक्षक ने सदर थाने के हेड कांस्टेबल मीठा राम मीना और कांस्टेबल मुनिराज तथा रवि को निलंबित कर दिया है। मामले की न्यायिक जांच की जा रही है। युवती ने परिवार के माध्यम से बताया कि मृतक हरीश बैरवा से उसकी मुलाकात 3 वर्ष पूर्व हुई थी। हरीश ने प्यार का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसाया। एक दिन जब घर पर अकेली थी तो हरीश उसके घर आ गया। हरीश ने उसकी सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसके अश्लील फोटो भी लिए। युवती ने आरोप लगाया कि हरीश उसके फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देने लगा और जबरन उसे अपने साथ कुड़गांव ले गया। मृतक के भाई पर भी रेप का आरोप। युवती का आरोप है कि हरीश ने उसे वहां बंधक बनाकर रखा। युवती ने हरीश के भाई गोविंद बैरवा पर भी रेप करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही हरीश के जीजा और एक अन्य भाई पर छेड़छाड़ करने एवं जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि उसके परिजनों ने सदर थाने में उसके लापता होने का मामला दर्ज कर पाया था। इस पर सदर थाना पुलिस कुड़गांव पहुंची और उसे हरीश के चंगुल से बचाया। युवती ने कहा इसलिए हुई हरीश की मौत। युवती का कहना है कि जब पुलिस कर्मी उसे ट्रेन से लेकर आ रहे थे तभी हरीश भी ट्रेन में आ गया। वो इधर उधर दौड़ने लगा, इसी दौरान वो ट्रेन से गिर गया और उसकी मौत हो गई। सवाई माधोपुर सदर पुलिस ने युवती के परिवार के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरीश के पिता ने भी दर्ज करवाया मामला। दूसरी तरफ इस मामले में हरीश के पिता श्रीलाल बैरवा ने वजीरपुर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। श्रीलाल का कहना है कि गंगापुर सिटी निवासी लड़की से 9 सितंबर 2021 को उसके बेटे की कोर्ट मैरिज हुई थी। श्रीलाल का आरोप है युवती के परिजनों ने पुलिस से मिलीभगत कर उसके बेटे को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जिससे उसकी मौत हो गई। जागरूक टीवी की माधोपुर से खास रिपोर्ट।